दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। इस तो पहला कि मैं लिखता पढ़ा तुम जे सारे दर्शकों वालों आए हैं फेसबुक पर जो भी कमेंट है ने उन्हों का। हाँ जी वीर सतपाल सिंह परिवार लिखते हैं डॉक्टर साहब जी मेरे वालों आप दोनों टीवी 84 के सारे दर्शकों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आस करदा हां कि प्रवान करोगे जी। वीर सलमान रशीद पाकिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद। इस तरह जिहड़े नवाज गुजर जी ने उन्होंने दो मैसेज ने और बड़ी खुशी की गल है भी उन्होंने आलमोस्ट तीन ने जिदे च दो उन्होंने गुरमुखी दे विच टाइप किए हुए ने। एक दे विच उन्होंने कहा कि लोंग लिव खालिस्तान लंबी लाइफ खालिस्तान और भारत वंड हो जाएगा तो खालिस्तान वो शायद मुक्त कहना चाहते ने पर मुफ्त उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत इन्हों का शुक्रिया। वीर सिकंदर सिंह खालिस्तान जिंदाबाद। जाफरान अक्रम जी ने नक्शा हर वार उन्होंने ट्रेडमार्क है जिदे च खालिस्तान का एक अपना मुकाम है उस भारत के नक्शे दे विच। अमरजीत ढिल्लों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहते हैं। वीर गुरदीप सिंह जी ने यह पूछा है कि डॉक्टर साहब कृपा करके कट्टरता शब्द की व्याख्या करो जी। जदों सिखी सिद्धांतों की गल करी दी है तो लोग कट्टरता कह के सच की गल ते मिट्टी पाउणी शुरू कर देंदे हन जबकि सिखी विच कट्टरता लई कोई थां नहीं है। कृपा करके इस ते जरूर समा कढ़ो जी। जी देखो पहली गल सानू ये समझ लैनी चाहीदी है कि जेड़े सिद्धांतक लोग ने और जेड़े किसे खलाक किसे सिद्धांत किसे प्रिंसिपल दे नाल जुड़े हुए ने जीवन सिखी सिद्धांतों मुताबक जिउंदे ने वो घट गिणती च होणगे उन्हां दी गिनती थोड़ी होएगी जी। और हमेशा ही जड़ी वड्डी गिनती बहु गिनती है जड़ी के जिन्हों ईजी लाइफ कहंदे ने जड़ी जिदे च कि वो किसे सिद्धांत नाल बझे हुए नहीं हुंदे और कई हालतां च कोई उन्हां दा करैक्टर नहीं हुंदा इखलाक दे हवाले नाल है। उन्हां नू जदों भी कोई इस किस्म दा बंदा जिहड़ा कि गुरबाणी की रोशनी च सिद्धांत की रोशनी च जां दूसरे मजहबां च भी और एक अज फैशन भी चल पे है कि भी एक पासे तो समझ आ सकता है जिहड़े लोग अन्ने हो के किसी मकसद के लिए बेगुनाह का खून करते ने जां इस किस्म की विचारधारा यकीन रखते ने वो तो अन्ने ने उदे तो कोई लेबल की लोड़ ही नहीं है। पर दूसरे पासे जिहड़े लोग अपने अपने धर्म के मुताबक धर्मी जीवन जिउंदे ने जे एक मुसलमान दे लई पांच वक्त नमाजी होना जरूरी है तो जे कोई नमाज पढ़ दे तो उसनु तुसी कहो जी बड़ा कट्टर नमाजी है नहीं वो अपने धर्म दे सिद्धांत दी पालना कर रहे। इसे तरह जे एक सिख दे लई जरूरी है कि उसने अमृतधारी होना है ये गुरु का हुक्म है प्रथम रहत ये जान खंडे की पाहुल छके सोई सिंह प्रधान अवर ना पाहुल जोल है। तो हुण जे अमृतधारी परिवार जा अमृतधारी गुरसिख सिंह जा सिंघणी चो किसे नू नजर आया जे बहुत कट्टड़ सिख ने परपक भी कह सकदे डॉक्टर साहब हां जी परपक भी कह सकदे हां हां परपक ही मतलब ही ये है। देखो बाकी केदी प्रीत निभणी है किन्नी कित्थों तक गुरु ए गुरु दे हथ वास है पर जेड़ा गुरु दे हुकम दे मुताबक जीवन नू जिउणे वो तो कोई कट्टरता नहीं है जी। हाँ ये जरूर है भी कई बार जेड़े फिर इस किस्म दी श्रेणी चो अगों कुछ होर क्रिएट कर लैंदे ने जी कि भी तुसी अपनिया दे नाल ही तो फरका करो भी दा हथ लग गया ए पिट गया ए फलाणा है इहदे हथ दा नहीं है जां ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਘੂੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ
हसदे रसदे वसदे परिवार किवें उन्हां दे विच की वापर जांदा है, कुते कोई बीमारी आ गई जां कई वार रोजाना अखबार चुक के तुसी देखो कि किवें कोई एक्सीडेंट दे विच छोटे छोटे बच्चे ने परिवार है दूजे ने कोई मारे जांदे ने कोई होर हुंदा है। सो उन्हां हालातां च वी जे कोई तुहाडा सहारा बणदा है जिहड़े तुहाडे अंदर नूं तरवास दिंदा है ते ओह तुहाडा अपना धर्म उस दे उत्ते फेथ और सच्चारा जीवन। हाँ ये जरूर है भी दंभ जां जिहनूं हिपोक्रेसी कहिंदे ने जां कट्टड़ता जिहदे लई शब्द कट्टड़ता तां मैं इही कहांगा कि जिहड़े लोक धर्म दे दायरा कार जां धर्म नूं ना समझदिआं होइआं उस नूं आधार बणांदे ने दूसरिआं दे नाल नफरत करन लई। धर्म दे विच जां सिक्खी दे विच तां नफरत दी कोई थां ही नहीं जी। जे ना को वैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई फिर नफरत लई कित्थे थां है। सो साडे जीवन दे विच इन्नी खूबसूरती होए इन्ने जीवन दे विच रस होए जीवन दे विच साडी इन्नी फ्रैगरेंस होए खुशबो होए कि दूसरे तुहानू कहण दी लोड़ ना पवे कि जी तुसी आओ ते तुहाडा धर्म आ कहिंदा ते आ नहीं कहिंदा कि दूसरे जानना चाहुण कि तुहाडे ऐसा की है जिन्हें तुहानू इन्ने सोहणे बनाया तुहाडे अंदर एक हलीमी है मिठास है हर एक दे काम आण दी भावना है तुसी ईमानदार हो तुसी सच्चारे हो। अफसोस नाल मैं ये कहना चाहुंदा हां कि और मैं भी इस दा हिस्सा है कि असी बहुत सारे जिन्हां ने अपने आप नूं धर्मी घोषित किया होया पर साडे व्यवहारक जीवन दे विच ईमानदारी नहीं है असी रिश्तियां विच ईमानदार नहीं है असी कामकार दे विच ईमानदार नहीं है और यही कारण है कई बार परिवारां दे विच जदों बच्चे बच्चियां जिहड़े कि एक सचारे सिस्टम च ने साडे वल देखदे ने तां फिर उन्हां नूं लगदा है कि भी नहीं तुसी जिहड़ा बाहर तां इह कहिंदे हो ते घर च तुसी की करदे हो। सो कुल मिला के इह जरूर हुंदा है कि इस किस्म दी गल जिहड़ी है असी अपने आप नूं किवें सचारे साबित कर सकीए लेकिन जीवन नूं गुरसिक्खी आदर्शां असूलां सिख रहत मर्यादा मुताबक जो और गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी सेध दे विच जो जीवन बिताने वो कट्टड़ता नहीं है वो सिक्खी दा रस्ता है जग्यासु होने और गुरु दे हुक्म दे उत्ते उस दी तामील करने हुक्म जी। डॉक्टर साहब थलाने ब्रेक व्यूअर्स तुसी कितनी जाना मिलदे हैं छोटे ब्रेक तो बाद।